Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about the upcoming batch for CSRNET, GATE, NBHM, TFR, ISI, CMI and all PhD exams. तो पहली बात कि ऑलरेडी एक बैच 2 जून से स्टार्ट हो गया है एंड थैंक्स फॉर दैट सभी लोगों को जिन्होंने उस पर अपना एडमिशन लिया और पढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई मिड एग्ज़ाम में फंसे हुए हैं, जो किसी कारणवश उस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाए. उन लोगों का बहुत सारा मैसेजेस आया था, अभी भी करंटली आ ही रहा है. तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है या कुछ दिन के बाद उनका कुछ वो सारे प्रोजेक्ट्स फिनिश हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 2 जुलाई से हम लोग का एक रेगुलर बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. आगे 2 जुलाई के बाद फिर कुछ होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. तो जो स्टूडेंट किसी कारणवश पहले नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनको यहाँ पढ़ने का मन है, एक अच्छा गणित को सीखने का मन है और आगे जाके एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने का मन है, तो डेफिनेटली वो लोग मिल सकते हैं इस कोर्स के लिए 2 जुलाई से. उसके लिए आपको करना क्या है, नोबल फोरम 05 पे आपको मेल कर देना है अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आप MSc BSc क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ओके. और क्या आपका कोर्स है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके. तो ये सारे स्टूडेंट को कब से, 2 जुलाई से, ठीक है. पीछे अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, जैसे आपके पास GRF है या GATE है या NBHM कुछ भी है आपका, या आपने TFR का रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है, जो भी आपका है पीछे अगर कोई एक्सपीरियंस आपका, बट स्टिल आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन एक इंटरेस्ट आपके अंदर बना हुआ है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मैं आगे अगर एक मुझे गाइडेंस मिले या एक सही मेंटरशिप मिले तो डेफिनेटली मैं आगे मूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, है ना. आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, चाहे आपका नेट GRF हो, कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम्स हो, चीज़ों को लेके बार बार इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जगहों पर आप अटक जा रहे हैं. वो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आंसर आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप लापरवाही कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेके. तो अभी भी समय है, अभी भी 4 से 5 महीने के बाद फिर से एक नया मौका आपको मिल सकता है. तो अपने आप पे बिलीव रखिए, अपने मेहनत पे बिलीव रखिए, और उसमें लगता है कि इस बिलीव में अगर मेरे को एक मेंटरशिप मिल जाए तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, ओके. तो डेफिनेटली आप मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, ओके. एंड वील मीट और फिर हम लोग इन्जॉय करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से गणित में, और गणित को सीखेंगे जितना दूर तक सूख सकते हैं. और जहाँ तक बच्चे रहे जो अंडर ग्रेजुएट में हैं, BSc में हैं, वो अपना टारगेट IIT जैम हो या TFR हो या ISI, जो भी उनका टारगेट है, जो भी ड्रीम है, उसमें कुछ करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एक साल पढ़ चुके हैं लेकिन स्टिल उनका नहीं हो पा रहा कहीं, मैं उनको यहीं बोलूँगा हिम्मत मत हारो, रखो पेशेंस. आप लोग जैसे स्टूडेंट ने जो एक साल नहीं कर कुछ कर पाए, इस बार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अच्छे जगह उनका सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा. बस आप अपने मेहनत पे बिलीव रखो, होगा, ज़रूर होगा. और जो MSc के स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैंने बता ही दिया, और जो उसके बावजूद किन्हीं का किसी कारणवश कोई गैप रहा हो लाइफ में, चाहे वो पर्सनल गैप हो या प्रोफेशनल गैप हो, है ना, कभी कभी होता है कि एक टाइम के बाद आपको फैमिली प्रेशर या जॉब्स ओरिएंटेड कुछ काम करने पड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं दिमाग के कोना में आपका मैथमेटिक्स जिंदा रहता है. अगर वो सिचुएशन अभी आपके साथ है और आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो अपने आप को रोको मत, ओके. आपकी सिचुएशंस में भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, किसी का 7 साल का गैप, किसी का 10 साल का गैप, किसी का 15 साल का गैप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. जब वो कर सकते हैं तो मेरा उम्मीद है कि आपका मेहनत से आप भी कर सकते हैं. तो उसमें जो डायरेक्शन चाहिए, उसमें जो मेंटरशिप चाहिए, उसमें जो मैथमेटिक्स को लेके एक क्लैरिटी चाहिए, विल ट्राई टू गिव आवर फ्रॉम आवर साइड, ओके. बस आप इसके लिए अपना ध्यान रखें और मेल कर दें नोबल फोरम 05 पे. ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स सोच लेगा, बस आप अपना मेहनत कीजिए अच्छे से, ठीक है. तो हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे सब कुछ अपने इंक्वायरीज को लिख के, सो दैट वील कॉन्टैक्ट यू, ओके. थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द, टेक केयर, बाय.